वी आर प्योर इमोर्टल सोल एंड सोल कैन डोमिनेट ओवर द रीजन ओवर द इमोशन एज वेल एज द डिजायर राइट एंड वन इज व्हाट डार्विनियन थ्योरी एंड व्हाट डार्विन से यस डार्विन से दैट सेल्फ इज इवॉल्विंग इन नेचर सेल्फ इज डूइंग स्ट्रगल फॉर देयर सर्वाइवल और आर ह्यूमन सोल इज इवॉल्विंग जेनेटिकली इवॉल्व होता जा रहा है तो दीज आर द थ्री आर्गुमेंट वी आर द रैशनल सोल वी आर द प्योर सोल और वी आर द इवॉल्विंग सेल्फ है ना इवोल्यूशनरी थ्योरी जो थी ये तो हमारे तीन आर्गुमेंट थे और आज हम इसी आर्गुमेंट को आगे एक्सटेंड करते हैं विद द नेम द ह्यूमन नेचर द वी हैव सेम क्वेश्चन अगेन हु एम आई व्हाट इज माय रियल सेल्फ व्हाट इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन नेचर राइट सो हियर इज अ क्वेश्चन दैट कि व्हाट इज द रियल एसेंस ऑफ ह्यूमन नेचर और जो आज का टॉपिक है यू कैन से दैट इज अ मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू वो जो क्लासिकल थे प्रीवियस लेक्चर में और आज जो हमारे पास है वो है मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू मॉडर्न थ्योरीज हैं और जो मॉडर्न थ्योरीज हैं जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसोफर स्पेशली द वेस्टर्न फिलोसोफर दे बिलीव दैट वी हैव डिबेट ओवर द माइंड ब्रेन एंड द बॉडी राइट वेस्टर्न फिलोसोफर से दैट Which one is the dominating one? Mind, body, and the brain. Mind, body, brain, mind, body, soul. So here is an argument. जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है dualism और इसको हम dualism भी कहते हैं आगे जाके उसी की extension है. Debate चलेगी आज सारा topic हमारा brain mind के ऊपर है. तो हमारी आज की class का learning objective यही है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं dualism. Dualism के माने ये हैं कि Human is dualistic in nature. Human has two substances like mind and the body. Both is necessary and both are contingent to each other. So, ये आज जो हम इस debate को हम कहते हैं mind-body problem और इसकी reading के लिए जी हाँ इसकी reading के लिए आप VLE पे जाएंगे reading वाले पे icon पे click करेंगे तो वहाँ पे आप नंबर टू ह्यूमन नेचर मिलेगा डाउनलोड कर लीजिएगा उसमें से आपने 2.2 2.3 रीडिंग करना है ये आपके पास स्लाइड्स में मेंशन नजर आ रहा होगा और ये जो स्लाइड्स है ये भी आपको वीएलई के अंदर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे स्लाइड्स के अंदर मौजूद है और स्लाइड्स पूरी 14 की 14 स्लाइड्स मौजूद है वहाँ पे ठीक है आगे की फ्यूचर स्लाइड्स भी आप देख सकते हो ठीक है तो 2.2 आपका प्रीवियस टॉपिक कवर होगा एंड द 2.3 टुडेज टॉपिक यानी द रिलीजियस एंड द ट्रेडिशनल और द डार्विन पॉइंट ये 2.2 से रीडिंग कर लोगे और 2.3 जो है वो आज की डिबेट है हमारी कि हाउ डू माइंड एंड बॉडी रिलेट तो आज का टॉपिक हमारा माइंड बॉडी प्रॉब्लम से लेकर है उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा रीडिंग करनी है आपने फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट टॉपिक तो एक बुक आपको इनिशियली दी थी द फिलोसोफर वे तो उसके भी कुछ आर्टिकल हैं पूरी बुक नहीं उसमें से कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल हैं ये जो मैंने मेंशन किए हुए दीज आर्टिकल आर फॉर द रीडर्स दोस फ्रेंड्स हु हैव एन रीडिंग एबिलिटी यस इफ यू हाँ इस हम क्लास में बहुत सारी चीज़ अगर हम डिस्कस ना कर पा रहे हैं तो कोई थॉट एक्सपेरिमेंट मिस हो जाए या आप सुन ना पाएँ ठीक है तो आप इसको रीडिंग भी कर सकते हैं रीडिंग से भी आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और हियर इज़ द सोर्स फ्रॉम वेयर आई डिलीवर अ लेक्चर ठीक है और फिर जब हम बात करते हैं कि सेल्फ क्या है तो सेल्फ को लेके इन ह्यूमन का जो सेल्फ है वो टू फॉर्म्स हैं यानी वर्ल्ड ऑफ एक तो विजिबल वर्ल्ड है जो हमें नज़र आ रही है और एक इनविजिबल है यानी बॉडी एक विजिबल है और माइंड इनविजिबल है डिकार्ट भी ऐसी बात करता है कि माइंड एंड द बॉडी बोथ आर इंटरेक्ट विद ईच अदर और माइंड इज द डोमिनेटिंग वन अच्छा डेविड ह्यूम जो है वो भी इसी तरह की बात कर रहा है लेकिन वो परसेप्शन को यानी माइंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है डॉकिन जो है बायोलॉजिस्ट है वो न्यूरॉन्स और ब्रेन की बात करता है वो कहता है कि इंसान की जो ह्यूमन नेचर है वो ह्यूमन नेचर जो है वो डिपेंड करती है न्यूरॉन्स के ऊपर और ब्रेन के ऊपर जॉन लॉक कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है अच्छा लफ्ज़ ये बार बार रिपीट होगा अभी आगे लेक्चर्स में कॉन्शियसनेस हाँ जी कॉन्शियसनेस मीन्स सेल्फ अवेयरनेस नोइंग अबाउट योर सेल्फ और एरिस्टॉटल कहता है कि हमारे अंदर एक रैशनल सोल भी है और एक इरेशनल सोल भी है वी हैव टू बी मेक अ
मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन देम, जो हमने एग्जांपल में भी देखा था। तो ये तो कुछ, ये हमारे पुराने टॉपिक को रिव्यू हुए हैं, और अब हम आते हैं अपने मेजर टॉपिक के ऊपर, दिस इज कॉल्ड व्हाट द ड्यूलिज्म, ड्यूलिस्टिक इन नेचर। व्हाई वी से द ड्यूलिज्म या ड्यूलिस्टिक इन नेचर, हर एक आर्गुमेंट के बाद फिर मैं आपके जो भी क्वेरीज आएंगी वो उसको मैं रिजॉल्व करता जाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Dualism, dualistic in nature is what? Self is composed of two things. One is mind and another is body. Interview is said to be what? Dualism or dualistic in nature. Pero, yes. Monoism kya hai? Mono means single. If some philosopher believe there is only one substance, that is mind, or there is only body, so that position is said to be what? Monoism. Right? If we believe that there is only one substance, only the mind exists, and our whole human nature is completely dependent on mind, or someone believes that there is only the body, there is only the physical substance are there, तो वो monism हो जाएगा, ठीक है। Dualism क्या belief रखता है? Mind and body के ऊपर, और monism belief रखता है या तो mind या तो सिर्फ और सिर्फ body। तो यूं हमारी debate start होती है mind and body को लेके। तो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन के विच वन इज द मोस्ट डोमिनेटिंग वन, माइंड बॉडी, माइंड इज डोमिनेटिंग ओवर द बॉडी, और बॉडी कंट्रोल द माइंड, और बोथ बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, विच वन इज द बेटर आंसर अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू? माइंड बॉडी और बोथ, सामा कह रहे हैं बोध, वजी कह रहे हैं माइंड कंट्रोल द बॉडी, अच्छा माइंड, नईम कह रहे हैं माइंड, नमान भी कह रहे हैं माइंड, यासिफ भी कह रहे हैं माइंड। अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछा कि विच वन इज द डोमिनेटिंग फैकल्टी, माइंड बोध और माइंड बॉडी और बोध? अच्छा मोस्टली पीपल से द बोध माइंड, इसे माइंड ज्यादा लोगों ने आंसर किया है, और जो वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर ज्यादातर जो फिलोसोफर हैं उनका डोमिनेशन यही कहना है कि माइंड इज मोस्ट डोमिनेटिंग वन, बट इज अ ओपन डिबेट। अब इसके लिए इस डिबेट के अंदर यस देयर इज अ क्वेश्चन के व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड बॉडी, माइंड ओवररूल करता है या बॉडी कंट्रोल करती है, तो ये डिबेट है। देखो इफ आई से कि अ हेल्दी माइंड प्रेजेंट इन अ हेल्दी बॉडी, दिस कोटेशन शोज दैट बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, healthy mind present in a healthy body. If we taking a good food supplement, we have very fresh food nutrients, so our mental energy will be so energetic. ये जो metabolism है ये transform करते हैं इस physical energy को into the mental energy. So that's why we can say that a healthy body is very necessary for the healthy mind. अच्छा second position एक और भी है regarding the body, regarding the mind, Stephen Hawking completely paralyzed हो गया, theory of everything जिसने present किए, the grand design लिखी है, cosmology पे काम किया, हाँ body is completely paralyzed, but his mind is active, और उसने produce किया, उसने theory लिखी, उसने thesis लिखा, तो ये बड़ा important element है कि mind ज़्यादा essential हो गया, ठीक है, और yes, बिल्कुल तो dualism कहता है कि mind and the body both are parallel to each other, और यही debate जो हम आगे बढ़ा रहे हैं कि self is composed of two things, mind and the body. Body को कहते हैं वो material है, body physical है, और mind जो है वो invisible भी है, intangible है और immaterial है, ठीक है। यही argument हमें जो है वो religion में भी नजर आता है, वहाँ वो बॉडी एंड सोल कहते हैं, जैसे कि वेस्टर्न अभी माइंड एंड बॉडी की बात कर रहे हैं, तो जो रिलीजियस थे फिलोसफर सारे स्कॉलर्स वो कहते थे कि बॉडी एंड द सोल देखा जाए तो वो भी ड्यूलिस्टिक हो गए, ठीक है। तो यस ये ड्यूलिज्म है, तो ड्यूलिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ड्यूलिज्म आपको क्लियर हो गया, ड्यूलिज्म क्या है? इज द रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड and the body, right? और ये जो आइडिया है सबसे पहले रेन डेकार्ट, यहाँ पे भी आपके स्क्रीन पर
फिफ्टीन और सिक्सटीन सेंचुरी के अंदर कि ये फिलोसोफर है और ये आपको एक सेकेंड ठीक है, तो रेन डिकार्ट जो है ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न फिलोसोफर हु सेड दैट माइंड इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द बॉडी. इट मीन्स माइंड एंड बॉडी बोथ आर टू डिफरेंट थिंग एंड दे बोथ आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. ह्यूमन आर नॉट प्योरली अ माइंड और नॉट प्योरली अ बॉडी. ना तो वो प्योरली बॉडी है ना तो वो प्योरली माइंड है. बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. दैट्स व्हाई वी से दैट ही इज ड्यूलिस्ट इन नेचर. ही बिलीव इन द बोथ. और ये इसकी कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम. और वो कहता है कि सेल्फ इज नॉट अ बॉडी, इट्स नॉट ओनली अ फिजिकल थिंग, बल्कि उसके पास एक माइंड भी है. और माइंड के लिए बस अब फर्क ये है कि ड्यूलिस्ट जो है कहते हैं, जैसे कि रेन डिकार्ट बिलीफ रखता है कि माइंड इज अ डोमिनेटिंग फैकल्टी. और वाई? बिकॉज माइंड हैज अ फंक्शन विच इज कॉल्ड व्हाट? थिंकिंग. और थिंकिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर अस. ठीक है, तो ह्यूमंस जो है, ह्यूमन जो सेल्फ है उसमें माइंड की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो थिंकिंग करता है. तो जब भी वो कोट ऊपर लिखी है आपके सामने, आई थिंक देयरफॉर आई एम. तो हु एम आई? हु एम आई? आई एम अ थिंकिंग बींग, आई एम अ रैशनल बींग. तो वाई वी आर सेड टू बी ह्यूमन? बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग. तो ये एक रेन डिकार्ट का आर्गुमेंट है. इसी आर्गुमेंट को लाइबनीज एक और फिलासफर है, वो भी इसी बात पे बिलीव रखता है. यानी ही इज ऑल्सो द ड्यूलिस्ट एंड ही बिलीव दैट माइंड एंड द बॉडी बोथ पैरेलल टू ईच अदर. और इसके लिए एग्जाम्पल देता है, टू क्लॉक आर देयर. आप देखते हैं घड़ी की दो सुइयां मौजूद होती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही एक टाइम बताती हैं. अगर दो में से कोई एक काम करे और एक ना काम करे तो इसका मतलब ऐसा तो होता ही नहीं है. दोनों सिंक्रोनाइज होती हैं तो ही वक्त का पता लगेगा. बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड, दे बोथ आर एम्बेडेड विद ईच अदर, दे बोथ आर सिंक्रोनाइज विद ईच अदर. ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर डिपेंडेड है. ठीक है, और वो कहता है कि ऐसा कब से है? वो कहता है प्री एस्टेब्लिश हारमोनी है. यानी ये सारी चीज़ें माइंड एंड बॉडी जो आपस में अलाइन हुई हुई है, ये प्री एस्टेब्लिश है. और हु डिड दिस? गॉड. वो कहता है गॉड स्टेप इन टू सिंक्रोनाइज द बॉडी एज वेल एज द माइंड. तो यू जो डिकार्ड एंड लाइबनीज, ये दोनों फिलोसोफर किस बात पे बिलीव रखते हैं कि वी आर द ड्यूलिस्टिक इन नेचर, माइंड एज वेल एज द बॉडी. ठीक है, तो ये जो ऑर्गुमेंट आपको इसकी समरी आपके सामने यहाँ आ जाती है. डुअलिज्म क्या कहता है, ये इमेजेस से आपको समझ आ जाएगा. पी एन एम यानी माइंड, और पी से मुराद यहाँ पे मैटर उन्होंने यूज किया हुआ, फिजिकल सब्सटेंस भी कह सकते हो, है ना. बॉडी फिजिकल होती है ना, बॉडी मैटर होती है. तो माइंड एंड द मैटर यानी माइंड एंड द बॉडी, ये डुअलिज्म. मोनिज्म पोजीशन क्या हो जाएगी, जो ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी एग्जिस्ट करती है, माइंड नहीं करता. पोजीशन क्या हो जाएगी, जो कहेंगे कि माइंड ग्रेटर है और जो मैटर है वो कम है. और न्यूट्रल पोजीशन क्या है, जो क्या है कि बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ पे मैं अब आपसे एक क्वेश्चन रेज करता हूँ. यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अभी तक जो कुछ आपने देखा वो क्या देखा आपने, सारे आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन क्या था कि ह्यूमन नेचर इज कंपोज ऑफ टू थिंग, माइंड and the body. Clear? Okay, I will ask a question. ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं विनोद, कह रहे हैं कि स्लाइड्स में चेंजेस. अच्छा देखो स्लाइड्स में नहीं है, अगर आप देखोगे हाँ स्लाइड्स को आप ढूंढोगे अपडेटेड भी हैं, उसके अंदर आप दोबारा से देखो. हो सकता है आपने बहुत पहले डाउनलोड किया हो. हाँ अब आप दोबारा से अभी देखें, दोबारा से जाके देखें. हाँ ये जो आज की लेक्चर स्लाइड्स है इसके ऊपर लिखा हुआ होगा. आप जब VLE पे देखोगे तो आई थिंक आइकन 9 नंबर लिखा हुआ है और ह्यूमन नेचर के नाम से ही ह्यूमन नेचर, और मैंने स्लैश की आइडेंटिटी मेंशन कर दिया था. तो आप देखोगे अपडेटेड है, दोबारा से जाके देखो एक दफा VLE के कोर्स मटेरियल के ऊपर. तो हाँ कुछ ज्यादा चेंज है, इमेजेस का फर्क है, वही स्लाइड्स कंटेंट है, मगर बस वो एक फॉर्म चेंज किया और किसी. ठीक
ठीक है, कंटेंट तो सेम ही है, कंटेंट बिल्कुल सेम है। जी हाँ ठीक है। विनोद विनोद कह रहे थे कि सर वो लेक्चर स्लाइड्स में ना डिफरेंस है जो इन्होंने डाउनलोड की हैं और जो इस वक्त मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इनको यही इंश्योर करा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा सेम, स्लाइटली चेंज है। हाँ स्लाइटली चेंज है, वो मैंने फॉर्मेट ज़रा सा चेंज किया है। हाँ फॉर्मेट ज़रा सा चेंज किया है, और जो है एक कुछ मैंने अभी जैसी बातें ऑफ थे तो मैंने इसको दोबारा से और अच्छा कर दिया, रिफाइन कर दिया कंटेंट को, मॉडिफाई करके और अच्छा कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया और एग्जांपल्स ऐड कर दिए इसके अंदर ना। ठीक है चलें, आई हैव अ क्वेश्चन, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द ब्रेन एंड द माइंड और बोथ आर द सेम? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेन एंड द माइंड और बोथ आर द सेम? क्या फर्क है माइंड में और ब्रेन में, दोनों एक ही है अलग अलग है? और इफ यू फाइंड एनी डिफरेंस तो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस? आंसर भी ब्रेन एंड द माइंड बोथ आर द सेम और नॉट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेन ब्रेन एंड द माइंड? अच्छा पारस कह रहे हैं डिफरेंट है, तो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस? कहाँ चले गए हमारे पार्टिसिपेंट? पार्टिसिपेंट्स कहाँ चले गए? क्या क्या देख रहे हैं ये बच्चे? ये ऑनलाइन हो गया क्या? नेटफ्लिक्स खोल लिया? वेयर दे आर? अच्छा अच्छा अब आए ये लोग आ गए। बोथ आर द सेम, पारस ने कहा माइंड टू द बॉडी। अच्छा नहीं, माइंड एंड बॉडी का नहीं पूछा मैंने पारस, मैंने कहा माइंड एंड द ब्रेन, माइंड एंड द ब्रेन। जिनेत कह रहे हैं सेम है, ब्रेन इज फिजिकल। वेरी गुड ओसामा, ओसामा का आंसर काफ़ी अच्छा है, ब्रेन इज फिजिकल एंड माइंड इज थिंकिंग, यू कैन से दैट इज अ बेटर आंसर। नईम ने क्या कहा? योर माइंड इज अ पार्ट ऑफ इनविजिबल, राइट, बिल्कुल, ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड ऑफ थॉट फीलिंग एटीट्यूड बिलीव्स इन इमेजिनेशन। यू विल वेरी बेटर से कि माइंड जो है वो इनविजिबल है, ट्रांसेंडेंट है और वो नॉन नॉन फिजिकल है। सॉरी अब्दुल्ला ने कहा यही, यासिर ने कहा बोथ आर द सेम, बजी कह रहे हैं कि ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ विजिबल और वेरियस माइंड इज इनविजिबल। ये अच्छा आंसर है, ब्रेन इज अ फिजिकल और मोस्ट एसोसिएटेड विद द माइंड। सोनिया कहते हैं कि डिफरेंट है, ब्रेन तभी काम कर रहा होता है जब हम सेंसेस में नहीं होते, लाइक व्हेन वी आर स्लीपिंग। अच्छा वो आप अनकॉन्शियस की बात कर रहे हो, तो ब्रेन और माइंड की बात अलग हो गई। यानी ब्रेन सोनिया के अकॉर्डिंगली के ब्रेन इज उसका फंक्शन एक बायोलॉजिकल है, और माइंड जो है वो समथिंग डिफरेंट। माइंड इज अ एबिलिटी टू थिंक, रिकॉलिंग, मेमोरी स्टोरिंग, है ना। जैसे अभी इस वक्त अगर हम देखें तो मुझे इस वक्त 45 पार्टिसिपेंट नज़र आ रहे हैं, मगर ये 45 नंबर्स हैं, बट इनमें से जो मेंटली प्रेजेंट हैं वो यहाँ पे पार्ट प्ले कर रहे हैं। रेनका, सोनिया, नईम, विनोद, ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अवेज, उसामा, ये बच्चे जो हैं ये पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हेयर देयर माइंड इज एक्टिव, वो मेंटली भी प्रेजेंट है, नॉट ओनली द फिजिकली। तो यानी एक फिजिकल सब्सटेंस है और एक नॉन फिजिकल सब्सटेंस है। ब्रेन जो है ना, ब्रेन इज लाइक अ फिजिकल ऑर्गन, ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल ऑर्गन, ब्रेन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना। ब्रेन मसाला तो कहते हैं ना ब्रेन, बट माइंड क्या है? माइंड इज नॉट लाइक दैट। यस माइंड इज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन, द फंक्शन ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड द माइंड। एंड वॉट इज द फंक्शन ऑफ माइंड? एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू रिकॉल, मेमोराइज, इमेजिनेशन, मैनी मल्टीपल फंक्शन ऑफ माइंड आर देयर, और दे ऑल आर इनविजिबल। तो ये तो हमने, यस ब्रेन इज विजिबल, माइंड इज विजिबल, अभी तुम सबको क्लियर हो गई ये बात। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो जो न्यू ड्यूलिज्म है, यानी ड्यूलिज्म का जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दो चीजों को डिवाइड कर रहा है। वो कहता है कि सिर्फ ब्रेन का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ ब्रेन का होना जरूरी नहीं है, बल्कि माइंड का होना भी जरूरी है। ब्रेन के साथ साथ माइंड का होना भी जरूरी है। क्या बात समझे आप? माइंड का होने का मतलब क्या है? आपकी कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है। तो देखो मैंने स्लाइड्स में यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सेल्फ एस कॉन्शियसनेस। तो ये है न्यू डुअलिज्म। न्यू डुअलिज्म क्या कहता है कि हाँ, न्यू डुअलिज्म फोकस करता है इस वर्ड के ऊपर जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ उस वक्त, वो क्या है? कॉन्शियसनेस, राइट, कॉन्शियसनेस की बात करता है। वो कहता है कि माइंड को कॉन्शियस होना जरूरी है, और कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? सेल्फ अवेयर।
ठीक है। और इसी एग्जाम्पल को, इसको समझाने के लिए एक और चालमर नाम है फिलोसोफर का, वो एग्जाम्पल देता है जोम्बीज की। हाँ, जोम्बीज की एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि देखो, जोम्बीज और ह्यूमन, इन दोनों में क्या फर्क है? वैसे आप बताएं, जोम्बीज में और ह्यूमन में क्या फर्क है? बोथ आर द सेम, जोम्बीज और ह्यूमनिज्म, ह्यूमन, बोथ आर द सेम। क्या फर्क होता है दोनों में? हाँ, जोम्बीज जो है वो, अच्छा, कैनिबल होते हैं, इंसानों को खाते हैं, ठीक है। और जोम्बीज एंड ह्यूमन आर लुक अलाइक ना, फिजिकली तो सेम ही दिख रहे हैं, मगर क्या मसिंग होता है? वेरी गुड, ब्रेन तो उनका है मगर वो क्या नहीं होते? वेरी गुड अब्दुल्ला तारिक, के वो कॉन्शियस नहीं होते। वेरी गुड पारस, पारस नहीं, जोम्बीज आर नॉट कॉन्शियस, अनकॉन्शियस होते हैं वो, है ना? वो, उनको पता ही नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर फीलिंग, दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर एक्ट, वॉट दे आर डूइंग एंड वॉट हैपन टू देम, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो वो बहुत ही अनकॉन्शियस होते हैं, ब्रेन, हाँ, ज़ोंबीज़ का ब्रेन ही नहीं होता। तो ये कह रहे हैं फिजिकल सब्सटेंस है वो। तो ये एग्जांपल दिए चालमर्स ने, चालमर ने कहा कि देखो, ज़ोंबीज़ जो है वो फिजिकली तो हमारे जैसा है, मतलब उसके कॉन्शियसनेस नहीं होता। तो इसलिए वो कह रहा है कि मेंटल प्रॉपर्टी आर नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी अगर कोई फिजिकली दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ह्यूमन है, वो ह्यूमन जैसा दिख रहा है तो वो ह्यूमन है, नहीं। ह्यूमन होने के लिए क्या जरूरी है? उसके पास माइंड हो, और माइंड के अंदर क्या अवेलेबल हो? कॉन्शियसनेस हो। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? वो सेल्फ अवेयर होना चाहिए। हाँ, अगर वो सेल्फ अवेयर नहीं है तो वो ह्यूमन ही नहीं है। क्लियर हो रही है बात? और कॉन्शियसनेस को मैंने यहाँ पे क्लियर भी कर दिया है कि कॉन्शियसनेस में क्या कुछ शामिल होता है। हाँ, कॉन्शियसनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है सेल्फ अवेयरनेस, है अवेयरिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, वॉट यू आर थिंकिंग, वॉट यू आर फीलिंग राइट नाउ, योर इमेजिनेशन, योर डे ड्रीमिंग, एवरीथिंग इज इन योर माइंड, ये सब आपका कॉन्शियस होता है, कि यू आर कॉन्शियस अबाउट दैट। क्लियर है? आर यू विद मी? क्लियर हो? टेस्ट ले लें एक छोटा सा आपसे। हाँ जी, रेणुका ने कुछ सवाल, जी रेणुका, क्या कह रहे हैं आप क्वेश्चन? चलें, चल, अब मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है। इसको हम कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हाँ, स्लीप वॉकिंग, स्लीप वॉकिंग का मतलब ये है कि जो ड्रीम वगैरह आते हैं ना आपके, ड्रीम भी वो कॉन्शियस से ही आते हैं। हाँ, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। ड्रीम के अंदर जो जो भी कुछ हो रहा होता है उसके असरात आपने देखा होगा, बॉडी पे भी होते हैं, तो हमारे अनकॉन्शियस होते हैं मेमोरीज के अंदर। तो ये सारा पार्ट जो है, ड्रीम, स्लीप, हाँ, डिसोमनिया, ये सारा माइंड का ही पार्ट है। मैं अभी वही डिस्कस कर रहा था। अब देखें, एक एक करके मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। पहला सवाल मेरा, देखें, ये सब हम आपसे कर रहे हैं, इसको कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट क्या है? ये दीज आर द अजम्पशंस, यस, दीज आर द अजम्पशन टू क्रिएट द डिबेट। और हमारे टॉपिक क्या है? आइडेंटिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, यानी जो ह्यूमन का जो सेल्फ है, और वो क्या है? हमने क्या बात की? ब्रेन और माइंड। और हमने माइंड को कैसे कंसिडर किया? माइंड में क्या जरूरी है? कॉन्शियस होना जरूरी है। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? यानी सेल्फ अवेयर। तो अब जल्दी से मुझे आपने आंसर करना है कि मिस्टर, हाँ, मिस्टर क्लार्क और द सुपरमैन, बोथ आर द सेम, सेम पर्सन, है ना? क्लार्क एक न्यूज़पेपर डेली प्लैनेट में काम करता है, और सुपरमैन एक हीरो है, ब्रूस वेन और बैटमैन, वो या बोथ आर डिफरेंट पर्सन, व्हाट मेक्स देम डिफरेंस? यस, व्हाट इज द डिवाइडेड लाइन बिटवीन देम? बोथ आर द सेम पर्सनैलिटी और दे आर द डिफरेंट वन। अच्छा, फिजिकली दे आर सेम, है ना? फिजिकल एट्रीब्यूट आर द सेम, बट देयर माइंड आर नॉट द सेम, है ना? एक ब्रूस वेन जो है वो एक बिलीनियर है बिगड़ा हुआ, और जो बैटमैन है वो एक सुपर हीरो है। तो थॉट और कॉन्शियसनेस ने दोनों पर्सनैलिटीज को अलग कर दिया ना। हाँ, थॉट ऑफ माइंड, देयर मेंटेलिटी, यस, देयर मेंटेलिटी, देयर कॉन्शियस लेवल शोज दैट दे आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? फिजिकली नहीं है, बल्कि थिंकिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, उनकी कॉन्शियसनेस होना जरूरी है। तो देखो, स्लाइड्स में यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखा हुआ है, देखो, सेकेंड बुलेट पढ़ोगे अगर, तो एक होती है न्यूमेरिकल आइडेंटिटी। न्यूमेरिकल मीन्स दिखने में तो दोनों सेम है, फिजिकली बोथ आर अलाइक,
न्यूमेरिकल आइडेंटिटी है, बट क्वालिटेटिवली डिफरेंट है. जो उनकी क्वालिटी है वो दोनों की सेम है, एक बहुत शाइजा है, शरीफा है, और वो और एक जो है वो बहादुर, करिश्मा और सुपर हीरो है. तो न्यूमेरिकल आइडेंटिटी तो सेम है, बट उनकी जो क्वालिटेटिव आइडेंटिटी है वो उनकी बिल्कुल डिफरेंट है. क्लियर हो गई ये बात, समझ आ गई आपको? हाँ. अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपसे एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ करता हूँ कि मिस्टर ए हैं, और मिस्टर ए जो हैं वो जो हैं इंजीनियर हैं. मिस्टर ए क्या है? इंजीनियर है, और वो बहुत ही कोई अच्छे इंसान है, और जो है वो उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे लोगों को हेल्प हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अब मिस्टर बी जो है वो एक क्रिमिनल माइंड है. अब मिस्टर ए को किडनैप किया और मिस्टर बी का माइंड रिप्लेस कर दिया ए के साथ. तो अब मुझे बताएं, मिस्टर ए रिमेन द मिस्टर ए, और मिस्टर ए हैव सम चेंज, मिस्टर ए की पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी या मिस्टर ए वही रहेंगे? मिस्टर ए को हमने किडनैप किया और मिस्टर ए के माइंड को चेंज कर दिया मिस्टर बी से, और मिस्टर बी एक क्रूल माइंड है और एक जो है वो जी. चेंज हो जाएंगे, मिस्टर ए विल बी चेंज. क्यों चेंज हो गए? क्योंकि न्यूमेरिकल आइडेंटिटी तो वही है. हाँ, अजम्पशंस हैं. वैसे ये अवेज कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है सर दिमाग चेंज करना, ये फिक्शन है, ये एक अजम्पशन है. लेकिन आपको मैं बात बताता रहूँ, लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है वैसे ही ब्रेन को ट्रांसप्लांट किया गया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया. और साइंटिस्ट जो है न्यूरो साइंटिस्ट स्पेशली वो इस बात में लगे पड़े हैं कि किसी तरीके से कि ह्यूमन के माइंड को भी किसी, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है वैसे ही माइंड भी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए. जी हाँ, तो ये बड़ी कोशिश है. लेकिन इससे पहले ये डिबेट ये होती है कि अगर माइंड चेंज कर दिया जाए, यस, अगर माइंड चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, कौन सी पर्सनैलिटी रह जाएगी? ऐसा ऐसा नहीं, लॉजिकल तो नहीं है, ऐसा नहीं कहो लॉजिकल, लॉजिकल क्वेश्चन तो नहीं है, लॉजिकल है. दिस वन इज़ अ लॉजिकल और ये साइंटिफिक है. अगर हमारी डिबेट ये है कि अगर चलो ऐसा कर भी लेंगे कि अगर माइंड को रिप्लेस कर देंगे, तो क्वेश्चन इज दैट क्या एक्टिव हो जाएगा? देखो ना, एक तो मिस्टर ए की बॉडी है और एक मिस्टर ए का माइंड है. तो बॉडी वही रही, माइंड चेंज कर दिया. तो हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एसेंशियल है वो माइंड होता है. अगर माइंड ही चेंज कर दिया तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी. मिस्टर ए जो है जब लोगों के सामने होंगे तो एवरी वन से दैट ही इज लाइक अ मिस्टर ए इंजीनियर है, बट ये एक्ट तो मिस्टर ए की तरह नहीं कर रहा है, ये तो कोई एक क्रिमिनल की तरह एक्ट कर रहा है. मिस्टर ए तो ऐसा नहीं था. तो वो उसके किसको पहचान रहे हैं? कॉन्शियस को, उसके बिहेवियर को, उसके माइंड को. तो माइंड वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है ह्यूमन नेचर का. ह्यूमन नेचर के लिए बॉडी इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है. तो ये जो ऑर्गूमेंट है इससे ये हम साबित कर रहे हैं. और ऐसा बहुत सारी मूवीज में तो बिल्कुल फिक्शन के अंदर तो बहुत सारा टोटल रिकॉल के अंदर ऐसा है. और जो है वो हाँ जब तक है जहाँ आपने देखी हो, प्रिंस में आपने देखा होगा, गजनी में, मेमेंटो में, है ना. और आप होगी या नहीं होगी, तो सेल्फ वही रहेगा या नहीं रहेगा. लाइव एग्जांपल तो देखो, ये तो पता है डिबेट है ना, ये जो अवेज आप कह रहे हो ना कि ऐसी एग्जांपल लाइव एग्जांपल नहीं है. देखो लाइव एग्जांपल, लेकिन ये डिबेट ये है कि अगर हम माइंड चेंज भी कर देंगे तो क्या इफेक्ट रहेगा, और अगर बॉडी चेंज कर देंगे तो क्या इफेक्ट रहेगा. अब जैसे आप मुझे बताओ, हार्ट अगर किसी का चेंज कर देते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांसी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. तो अब अगर कोई ये कहे कि दिल में ख्याल होते हैं, दिल में एहसास होते हैं, नरम दिल था उस आदमी का, अब किसी और का दिल हमने लगा दिया, तो फिर हम कहें कि सारे एहसास जज्बात उस दूसरे शख्स के अंदर भी आ जाने चाहिए, हेलो ब्रदर की तरह से. तो हाँ, लेकिन ये तो अब ये डिबेट है ना कि ट्रांसपेरेंसी तो पॉसिबल हो गई है कि हार्ट किसी और को डोनेट किया जा सकता है, तो आई डोनेट हो जाती है, किडनी हो जाती है. तो अगर बॉडी के अंदर कोई एट्रीब्यूट हो तो वो दूसरे के अंदर भी वैसे नजर आने लगे. तो अगर हम कहें कि आंखें उसकी बहुत वसी जो है नजर थी, बहुत गहरी नजर थी, वो एक आर्टिस्टिक आई रखता था, ठीक है, बहुत जबरदस्त फोटोग्राफी करता था और उसके क्लिक्स बड़े अच्छे होते थे. अब हुआ ये कि उस शख्स ने डोनेट कर दिया आई, अब जिस शख्स के पास हम आई, ठीक है, नहीं ना,
इसका मतलब ये जो स्किल था वो तो कहाँ मौजूद है, बॉडी में कि माइंड में, ये डिबेट है यहाँ पे, समझे? अभी सही है, चलो तुम लोग को क्लियर हो गई, अच्छी बात है कि आज डिबेट चल रही है ना, तो लग रहा है कि हाँ अभी आप लोग जो है वो सामने ही है और मैं इस वक्त क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। तो ठीक है, ये मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने माइंड से क्रिएट करके आपके सामने रखे हैं, जिसके अंदर मैं बार बार आपको ये ही निशानदेही करा रहा हूँ और हाईलाइट करा रहा हूँ कि माइंड एंड द कॉन्शियसनेस लेवल एंड द थिंकिंग लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, और वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट की फैक्टर इज मेमोरीज, आपकी जो यादें होती हैं, मेमोरीज होती हैं, दैट मेक्स अ योर पर्सनैलिटी। ठीक है, देखो एक अगर मैं कहूँ ना, वॉट मेक्स टू बी अ ह्यूमन, वॉट मेक्स टू बी अ ह्यूमन, तो ह्यूमन होने के लिए ह्यूमन जैसा होना दिखना है ना, हाथ हो पैर हो वैसी ही बॉडी हो, लेकिन वॉट मेक्स टू बी अ पर्सन, जो पर्सोना डेवलप होता है, जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो कैसे डेवलप होती है, वो आपकी मेंटल लेवल से होती है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से होती है, मेंटल स्टेट से होती है ना, आपकी मेमोरी से होती है, आपने मेमोरी स्टोरेज कैसा किया हुआ है, कैसा डाटा आपके माइंड में है ना, तो ये पर्सनैलिटी है। वॉट मेक्स टू बी अ पर्सन, योर माइंड, योर कॉन्शियसनेस, एंड वॉट मेक्स टू बी ह्यूमन, तो ह्यूमन के लिए तो सबके पास एक जैसे ब्रेन है, सबके पास बॉडी है, सब वैसे ही है, तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो बार बार आपको हाईलाइट कर रहे हैं, किसकी तरफ कर रहे हैं, कॉन्शियस होने की तरफ। अच्छा वजी क्या कह रहे हो, जरूरी नहीं है कि अगर माइंड हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए तो इसके लिए फीलिंग भी चेंज हो जाएंगे, बिकॉज मेमोरीज ऑल्सो लिंक, यही तो मैं बार बार फोकस कर रहा था कि ऐसा तो नहीं है ना कि बॉडी के अंदर सब कुछ हो। हाँ जैसे वो होते हैं ना, सेवन माइंड, सेवन नहीं, 7 पाउंड, 7 पाउंड के अंदर जो है वो समेत सुसाइड अटैम्प्ट करने से पहले अपनी पूरी बॉडी के कुछ पार्ट जो है ना वो दूसरों को डोनेट कर देता है, किसी को हार्ट, किसी को आई। हाँ तो अब ऐसा करने से क्या होगा, क्या उसके स्किल्स चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो उसका ब्रेन है, उसका माइंड है, उसका कॉन्शियस लेवल है, इस तरह तो आइंस्टाइन का माइंड निकाल के रख लेते और किसी और को ट्रांसफर कर देते जैसे ही वो मरने जा रहा होता, तो ये कोई वो थोड़ी चल रही है नेटफ्लिक्स की जो है वो टीवी सीरीज थोड़ी चल रही है, क्या नाम है उसका, ऑल्टर्ड कार्बन, ऑल्टर्ड कार्बन थोड़ी ना चल रही है कि वो मर ही नहीं रहे 400 साल 500 साल तक जो है वो बॉडी बार बार चेंज होती चली जा रही है माइंड, या वो स्कारलेट जॉनसन की एक मूवी थी क्या नाम है गोस्ट इन द शेल, गोस्ट इन द शेल, और एक एनिमेटेड कार्टून भी है ये गोस्ट इन द शेल के नाम से, तो ये उसमें यही दिखा रहे हैं ना कि वो माइंड को स्टोर कर लिया और बॉडी बार बार रिप्लेस होती चली जा रही है, तो ये तो हाँ ये तो कोई साइंस फिक्शन की बातें लग रही हैं। चलो चलो दैट्स, यू विल एंजॉय, आई होप यू विल एंजॉय अ लॉट। हाँ यहाँ तक तो पॉइंट उन्होंने क्लियर कर लिया, तो इन सारी पोजीशन के अंदर पॉइंट क्या था, ये पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्शियसनेस इज व्हाट मेक पॉसिबल आई बिलीव दैट वी आर द सेम आइडेंटिटी। बात कुछ क्वेश्चन रेज करो, बोलो जी फाद, फाद आपने रेज किया था क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कुछ जी? नहीं नथिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग तो यू विल राइट हेयर, मैं आपके हाँ क्वेश्चन आंसर में देख रहा हूँ, मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू विल पुट देयर, यस आई विल रिस्पॉन्ड। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि ये हमारे पास डेफिनेशन है कि कॉन्शियसनेस में वी आर द सेम आइडेंटिटी इन डिफरेंट टाइम एट द डिफरेंट प्लेसेस, अब हमारी मेमोरी लॉस हो जाए, हमारी मेमोरी वापस आ जाए, या हमारी लर्निंग और अच्छी हो जाए, या हम इनोसेंट से मोरल हो इमोरल हो जाए, अच्छे हो जाए, बुरे हो जाए, ये सब कहाँ है, जितना भी चेंज है वो कहाँ मौजूद है, हमारे माइंड के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर होता है। तो और आइडेंटिटी का मतलब ही यही है, आइडेंटिटी का मतलब है सेमनेस, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, सेमनेस। तो इसे को इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो है वो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, द शिप ऑफ थीसियस के नाम से। हाँ ये शिप ऑफ थीसियस, ये है थीसियस एक किंग है, हाँ एक किंग होता है, उसकी शिप होती है, तो वो एक वॉयज करता है, एक सफर तय करता है, उसके पास बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं और वो विन करता है, तो वो ये शिप जो है वो एक ऐसा मोन्यूमेंट जानी जाती है कि भाई ये दिस शिप इज बिलोंग्स टू द किंग ऑफ थीसियस, उसका नाम पड़ गया था शिप ऑफ थीसियस। अब ये शिप ऑफ थीसियस थी, लेकिन 1000 साल बाद ऐसा होता है कि अब वो किंग तो नहीं रहा, वो सोल्जर्स भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये शिप क्या कहला रही है, द शिप ऑफ थीसियस कहला रही है। अब 1000 साल बाद ये शिप पुरानी हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, इसके जो बहुत सारे पार्ट्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे पार्ट के साथ, तो क्या तब भी ये शिप ऑफ थीसियस ही रहेगी, ये चेंज चलाएगी या कुछ और कहलाएगी,
भाई इसके कुछ वुडन पार्ट थे वो रिप्लेस हो गए और इसकी जगह हमने कोई और दूसरा पार्ट लगा दिया, तो अभी भी क्या ये वही शिप कहलाएगी? अब तो थीसियस भी जिंदा नहीं है, इसके सोल्जर्स भी नहीं है, और अब ये वॉइस पे भी नहीं है, अब तो ये म्यूजियम में रखी हुई है एज अ मोन्यूमेंट, ठीक है। और ये जो है, हाँ ये एक यादगार है, और इसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं शिप के लकड़ी के वो भी चेंज हो गए, तो क्या अभी भी शिप ऑफ थीसियस कहलाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या अभी भी शिप ऑफ थीसियस है या नहीं है, या इसी जैसी शिप देखकर आपने अपने कोर्टयार्ड के अंदर एक कारपेंटर को बुला के रेप्लिकेट करवा ली, तो जो आपने घर में रेप्लिकेट करवाई है और जो वहां पर मौजूद है किधर, म्यूजियम के अंदर, तो बहुत आता सेम क्वेश्चन ये है। हाँ तो ये बेसिकली कह रहे हैं, देखो न्यूमेरिकली तो सेम होंगे, न्यूमेरिकली मतलब यानी दिखने में तो दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर तो एक सा नजर आ रहा होगा कि वो भी शिप है ये भी शिप वैसे डिजाइन की है, लेकिन क्वालिटेटिवली चेंज होगा क्योंकि वो जो गार्डन में खड़ी है वो आपने क्रिएट की है और हम सब जान रहे हैं वो रेप्लिका, लेकिन वो जो म्यूजियम में है वो हमें पता है कि दिस वन इज बिलोंग्स टू सम किंग, द किंग ऑफ थीसियस, तो उसकी क्वालिटेटिवली वो अलग है। तो ये बात समझाना था, ये इसका वीडियो लिंक भी है और ये मैंने एक्सपेरिमेंट भी आपको दिया हुआ है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारी न्यूमेरिकल आइडेंटिटी होती है जिसमें शायद दोनों सेम हो, ए और बी, यानी शिप बराबर हो दोनों, मगर क्वालिटेटिवली बोथ आर द डिफरेंट, क्योंकि तो क्वालिटीज चेंज है, उसकी बिलोंगनेस अलग है और ये बिलोंगनेस अलग है। तो यही बात ह्यूमन के साथ भी हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन जो है वो दिखने में सेम होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, और क्वालिटी का मतलब क्या है, यानी उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो चेंज हो जाएगा तो उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इंसान की असल आइडेंटिटी क्या है, उसका माइंड है, उसकी कॉन्शियसनेस है, ये सारा आर्गुमेंट था। और इसको समझाने के लिए एक मूवी यहाँ पे मेंशन है, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, तो जब टाइम मिले तो देख लेना द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, काफी लोगों ने शायद देखी भी हो। द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन जो है वो हाँ इसमें होता ये है, ब्रैड पीट जो है लीडिंग एक्टर है, ब्रैड पीट के साथ जब वो व्हेन ही वाज बोर्न तो ही हैज अ बॉडी, हाँ एक ओल्ड मैन की इसकी बॉडी होती है, तो जब वो 12-13 साल का होता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल एक ओल्ड मैन की तरह से है, और उसके मुकाबले में जो डिफरेंट चाइल्ड है वो नॉर्मल है, लेकिन जो मेंटल स्टेट है उन वो सेम होता है, और जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है ब्रैड पीट, उसकी बॉडी जो है वो रिवर्स हो जाती है, यानी ओल्ड से यंग की तरफ चली जाती है, और बाकी जो लोग हैं वो यंग से ओल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम बाय लुक देखेंगे, बाय बॉडी देखेंगे, तो वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है, लेकिन अगर हम मेंटल स्टेट की बात करेंगे तो जैसे इस वक्त बच्चों को सोचना चाहिए, जैसे बड़ों को सोचना चाहिए, जैसे बूढ़ों को सोचना चाहिए, तो मेंटल कॉन्शियसनेस लेवल उसका वही रहता है। तो वो यही सब कह रहा है कि तो आँख का धोखा है, जो हम बॉडी को देख के अंदाजा लगाते हैं कि ये ऐसा होगा ये वैसा होगा, वो कहता है कि नहीं, बॉडी एज वेल एज द माइंड, यहाँ माइंड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, और माइंड के अंदर कॉन्शियस होना ज़रूरी है, अवेयर होना ज़रूरी है, सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है, कि जब तुम पहले एक बूढ़ी सी बॉडी में मौजूद था तो वो भी मैं ही था, वो कहेगा, और आज मैं जवान सा हूँ तो ये भी मैं ही हूँ, और जब मैं बूढ़ा हुआ था ये भी मैं ही था, उसको अपनी मेमोरीज के बारे में पता है, दे आर कम्प्लीटली अवेयर अबाउट देमसेल्फ, तो ये सेल्फ अवेयरनेस है, ये उसकी रियल आइडेंटिटी, इसका मतलब वो कॉन्शियस है, वो अवेयर है। तो मैंने ये इस तरह से आपको काफी सारी एग्जांपल्स के साथ, मूवी के साथ ये सब कुछ आपको बताया, ठीक है। तो जरा एक मिनट, अजान हो रही है, मैं 2-4 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ आपसे। अजान हो रही है, जरा मैं 2 मिनट में, हाँ आई विल कंटिन्यू आफ्टर द अजान, ना 2-3 मिनट के लिए मैं जरा पॉज करूँ, ठीक है, अजान हो जाए फिर बात करता हूँ आपसे।
ओके वेल, चलें ओके वेल, ये हमारे पास एक फाइनल आर्गुमेंट है, बहुत सिंपल बहुत आसान सा, कि सेल्फ एज मटेरियलिस्टिक, यानी मैन इज लाइक अ मशीन। अब ये पुराने आर्गुमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल एक सेपरेट पोजीशन हो गई है, ठीक है जी। हाँ, ये पोजीशन क्या है, इज लाइक अ मशीन। तो ये कौन सी पोजीशन है, फिजिकल। ये कंसिडर कर रहे हैं कि ब्रेन माइंड जो है ये कोई फिजिकल एंटिटी है, ये फिजिकल सब्सटेंस है, जैसे कि न्यूरॉन्स होते हैं। और वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन, और व्हाट वी कॉल द मशीन, अ मशीन हैज फिक्स्ड मैकेनिज्म, अ मशीन इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन क्या है, एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी एवरी कॉज हैज सम इफेक्ट। तो जितनी भी मशीन्स हैं, मशीन्स जितनी भी हैं वो फॉलो करती हैं एक फिक्स लॉ को, फिक्स मैकेनिज्म को, कॉज एंड इफेक्ट को, एक्शन एंड रिएक्शन को। अब देखो ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम और एसोपेगल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मैनी मल्टीपल सिस्टम आर देयर। इंसान एक मशीन के मैकेनिज्म की तरह से डिजाइन हुआ हुआ है। तो वो कहता है लाइफ इज व्हाट, लाइफ इज लाइक अ मोशन ऑफ लिव, लाइफ इज लाइक अ फ्लैश एंड ब्लड। अगर आप हर्ट को देखो तो जो हर्ट है हमारा, ह्यूमन हर्ट है, तो वो भी ह्यूमन हर्ट एंड ह्यूमन माइंड, वो भी एक मशीन की तरह से डिजाइन हुआ हुआ है। ये नर्व्स हैं, ब्लड बिल्कुल लाइक ऑयल की तरह काम कर रहा है, बाकी जो आपके सेल्स हैं बॉडी के अंदर, फिर हमारे अंदर न्यूरॉन्स के अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रॉन फायर होते हैं एक एनर्जी से, तो न्यूरॉन मैसेज कन्वे करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से। ये सारा हमने पढ़ा है साइकोलॉजी में, आपने देखा होगा न्यूरॉन्स के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि ब्रेन, न्यूरॉन, ये सब एक ऑटोमेटा है। ऑटोमेटा क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर वर्ड यूज़ किया जाता है कि जिसमें मशीन खुद ब खुद जब एक स्विच ऑन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रन करने लग जाती है। तो वो कहते हैं ह्यूमन मशीन भी क्या है, ह्यूमन भी एक ऑटोमेटा है, ऐसा लगता है जैसे कि वो एक एक्टिव है मशीन की तरह से काम कर रहा है वो। तो बल्कि वो कहते हैं ये पूरी जो यूनिवर्स है ये भी एक बॉडी की मानद है, कॉर्पोरल है, जिसमें सारे प्लैनेट, स्टार्स, अर्थ, सन, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं और एक फिक्स लॉ के तहत चल रहा है। तो ये जो आर्गुमेंट है ना, ये थॉमस हॉब्स का, वो किस तरफ जा रहा है, वो ये जा रहा है कि इंसान जो है वो उसकी जो मेंटल एक्टिविटीज हैं वो जस्ट लाइक अ मशीन है। तो ह्यूमन इज लाइक अ मशीन, ह्यूमन क्या है, मशीन की मानंद है। अब इसी आर्गुमेंट को कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और लाइक अ मशीन है, तो जो कंप्यूटर ईजाद किया गया है वो ह्यूमन माइंड का रेप्लिका है। कंप्यूटर जो इन्वेंट किया गया है वो ह्यूमन के फंक्शन को देख के किया गया है। अब ह्यूमन माइंड हैज एन एबिलिटी और सेम क्या है, तो वो कहते हैं H2O बोलो या वाटर बोलो, बोथ आर द सेम। तो माइंड, ब्रेन, कॉन्शियसनेस, दे ऑल आर द सेम, ये सब क्या है, एक ही है। आप कैटल मिस्टेक पर हैं, देखो जब हम बोले यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी भी आएगी, उसमें आगे भी आ जाएगा, उसके अंदर पार्किंग एरिया भी आ जाएगा, उसके अंदर क्लासेस भी आ जाएंगी, ये सब के भी आ जाएगा। तो अगर नाम लो या एक यूनिवर्सिटी बोलो, सब बोलो, ये सब एक ही नाम है, ये सबकी आइडेंटिटी एक ही है। और वो कहते हैं ये सब क्या है, एक फिजिकल ऑर्गन की तरह से है, ये सब एक मेंटल एनर्जी होती है, ये बेसिकली एनर्जी ही है, ठीक है। एनर्जी नहीं देखा, एनर्जी फिजिक्स के अंदर कोई एनर्जी नजर नहीं आती, मगर एनर्जी ही फोर्स करती है किसी भी एक्शन की तरफ। तो ये जो थ्योरी आपको नजर आ रही है हमें, जो न्यूरॉन्स जेनेटिकली और कर रहे हैं, माइंड की बात कर रहे हैं, तो ये मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, जो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ह्यूमन इज जस्ट लाइक अ मशीन, ह्यूमन के अंदर कोई सोल नहीं, कि बॉडी भी फिजिकल है, ह्यूमन का माइंड भी फिजिकल है, ये सटल स्टेट इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट। हाँ, और हमारी पूरी बॉडी एक मेंटल एनर्जी के तहत चल रही है, जैसे कि दुनिया एक कॉस्मिक एनर्जी से चल रही है और ह्यूमन जो है वो एक मेंटल एनर्जी से चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट को जो है वो AI बनाया गया। AI क्या है, आर्टिफिशियल, बड़ी डिबेट हो रही है आजकल ना इसके ऊपर, AI
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, कंप्यूटर गेम बन रहे हैं और जो है वो कार्स बन रही है ऑटोमेटिक, इस तरह से सिरी आ गया आपके फोन के अंदर है ना, और जो है वो वॉइस रिकग्निशन आ गया, डीएनए से रिलेटेड कार लॉक और अनलॉक हो रही है। तो बेसिकली जितनी भी मशीन्स हैं उनको इंटेलिजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करें, अगर इंसान जो है वो एक मशीन की तरह से है तो मशीनों को भी इंसान की तरह बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे यही बात है कि अगर ह्यूमन के माइंड को रिसर्च करके अब मशीन को क्रिएट कर देते हैं, एक आर्टिफिशियल ह्यूमन क्रिएट कर दिया जाता है। तो ये डिबेट है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी नहीं है ये रूम के स्पेल में करेक्ट कर देता हूँ, चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट। तो चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट में एक रूम के अंदर एक शख्स को एक लॉक के पास एक कंप्यूटर होता है, तो उसको एक्टिव वो फिर पढ़ के इंस्टॉल करे। लेकिन वो जो कैटलॉग होती है वो चाइनीज में लिखी हुई होती है, अब वो शख्स है वो चाइनीज नहीं जानता, तो ही फाउंड वेरी डिफिकल्टी टू ऑपरेट द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो जबान ही नहीं जानता, कंप्यूटर तो 0101 जानता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। भी ऐसे ही है, इंसान चाइनीज लैंग्वेज नहीं जानता तो उस बात को डिकोड नहीं कर पाएगा। का मतलब कंप्यूटर हो या ह्यूमन, दोनों को डिकोडिंग की जरूरत पड़ रही है ना। तो मैन अब, लेकिन मैन हैज एन एबिलिटी, जब वो चाइनीज के वर्ड्स को देखेगा, उसको रिलेट करेगा, उसको डिकोड करके फिर तो उस कंप्यूटर को एक्टिवेट कर सकता है। तो यहाँ पे वो इस आर्गुमेंट से क्या समझाना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर हैव अ माइंड, कंप्यूटर कुड हैव अ माइंड, कंप्यूटर का भी पास माइंड होता है और इंसान के पास भी माइंड होता है जिससे वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। तो आपको पता है कंप्यूटर तो प्रोग्रामिंग के ऊपर, कोडिंग के ऊपर बेस करता है। आप कंप्यूटर के साथ चेस गेम खेलते हैं ना, तो ऑलरेडी वो बिल्ट इन होता है, उसके अंदर सारे कोड हुए हुए होते हैं और आप उसी को देख के परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी है ना, आप में से काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंसान में इंसान जो ह्यूमन इज मच मोर फार बेटर देन द मशीन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसमें तो बहुत सारी फ्लॉ हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज मच मोर देन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज वी क्रिएट द मशीन, मशीन नॉट क्रिएट अस, वी क्रिएट द मशीन। तो लॉ ऑफ रोबोट जो है वो यही है कि मशीन कैन नॉट हार्म द ह्यूमन, और अगर ऐसा करेंगी तो मशीन को ख़त्म डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और जो है ह्यूमन, जो है ह्यूमन की इंटेलिजेंस मशीन से कई ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट भी सोच सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकता है, लेकिन मशीन्स नहीं है। और दूसरी बात, मशीन्स में इमोशंस ही नहीं होते, मशीन्स में इमोशंस ही नहीं होते, इमोशंस थोड़ी बिल्ड किए जा सकते हैं। इंसानों में इमोशंस भी हैं, इंसान में डिज़ायर्स भी हैं, मशीन में कोई डिज़ायर्स भी नहीं होती है ना। तो जी हाँ, है दिल पर मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरवत को कुचल देते हैं ये आलात। तो ये जो आज के हमारे पास टूल्स एंड गैजेट्स हैं, इन्होंने क्या किया, हमारे एहसास मुरवत को ख़त्म कर दिया, हमें मशीन बना दिया। तो खैर, ये सारा क्रिटिज़म है, ये बहुत सिंपल सा आर्गुमेंट है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। और मैंने जो इसी को मैं आर्गुमेंट को बस एंड करता हूँ। लो, सेशन मेरा ऑफ भी हो गया, मैं भूले जाऊँ। ठीक है, डू यू हेयर मी, आवाज़ आ रही है तुम लोगों को, सुन पा रहे हो? चलो, सेशन को यहीं पर रोके हम क्या? हाँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो एक आर्गुमेंट है ना, बिहेवियरिज्म, हाँ, जो बिहेवियरिज्म है उसको आप थोड़ा सा रीड कर लेना, मैं उस पर बस अभी बात नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कि ये ओवर बर्डन हो जाएगा। हाँ, तो हाँ, ज़हनी तशद्दुद ना हो जाए, मेंटल टॉर्चर ना हो जाए। असाइनमेंट के बारे में देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, जैसे चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट, शिप ऑफ थीसियस का एक्सपेरिमेंट है, हाँ, या मैंने एक नाम लिया था ना, गोस्ट इन द शेल। तो अभी मैंने स्लाइड्स बना के असाइनमेंट में अटैच भी की हुई है, जब वो वीएलई पे देखोगे ना, उसके वीडियो लिंक्स भी पड़े हुए हैं। वीडियो लिंक्स को आराम से यूट्यूब पे आराम से हैंड फ्री लिखा के सुनना, और अपने पास नोटपैड लेके बैठना, नोटिंग करोगे तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा, फिर उसको लेके एक समरी लिख दो।
हाँ असाइनमेंट मैंने VLE पे अपलोड किया हुआ है आप लोगों को ना, असाइनमेंट VLE पे अपलोड किया हुआ है, थॉट एक्सपेरिमेंट है, हाँ शिप ऑफ थीसियस और चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट, हाँ ये असाइनमेंट दिया हुआ है मैंने, इसमें वीडियो लिंक्स अटैच किए हुए हैं, वो आपने देख के उसके ऊपर एक समरी बनानी है छोटी सी, 50 वर्ड्स के ऊपर, 50 to 80 वर्ड्स के ऊपर, इजी इजी वर्ड्स में। हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हो अपने सिंपल वर्ड्स में। यार शामिल ग्रुप नहीं बना रहा यार, ग्रुप में बड़ा ये इधर वो है ना व्हाट्सएप, इसमें जो ग्रुप है उसी में रख लेते हैं, ग्रुप में बड़ा बड़ा मसला हो जाता है। हाँ ग्रुप में जो ना बड़े मसले, असाइनमेंट बेटा उसामा मैंने आपको बताया ना, असाइनमेंट आपने ये करना है कि इसमें जो मैंने आज की लेक्चर स्लाइड्स के अंदर जो थॉट एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है ना, शीप ऑफ थीसियस बताया, चाइनीज रूम बताया, ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट की वीडियोस भी मैंने अटैच की हुई है, आप उस असाइनमेंट पे जाके डाउनलोड करोगे ना तो उसमें लिंक है, लिंक क्लिक करोगे वीडियो आ जाएगी, यूट्यूब पे वीडियो देखो, सुकून से वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद कीवर्ड्स में अपने ओन वर्ड्स में लिख दो कि क्या तुमने इसको अंडरस्टैंड किया और किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिलेट कर दो, आइडेंटिटी के टॉपिक्स है। हाँ बस ये करना है, सिंपली सी द वीडियो, वॉच द वीडियो और रीफ्रेस इट इन योर ओन वर्ड, और कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो ड्यूलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है ना ह्यूमन का, हाँ हाँ बेटा वर्ड पे बना दो, ठीक है चले सही है, बस आज के लिए इतना सेशन एंड करते हैं, ठीक है एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है किसी का बेटा, उसमें सब मेंशन है, उसमें मेंशन है। हाँ अच्छा कौन पूछा है, पिंकी पूछ रही है, हाँ उसमें वैसे तो मैंने 20 अप्रैल दी हुई डेट ना, 20 अप्रैल बहुत है, इनफ है, जब तक आराम से दे दो, बहुत टाइम है आपके पास, हाँ मोर देन अ 1 वीक, आज 10 अप्रैल है ना, 10 डेज है आपके पास, आराम से इजी होके काम करो, और फिर भी कोई इशू होगा तो मुझे बता देना, टाइम एक्सटेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ ये अच्छा एक्टिविटी तो मैंने कोई खास नहीं दी इसमें, मैंने समरी लगाई हुई है, और ये भी हाँ इस स्लाइड्स के आखिर में जो है ना ये मैंने समरी दी हुई है हर टॉपिक की ना बड़े अच्छे से, तो आपको समझ भी आ जाएगा, एक रिव्यू हो जाएगा, इसको रीड करोगे ना, और मैंने लास्ट में जो जो नाम लिए थे मूवीज के वो मैंने यहाँ पे लिस्ट भी मेंशन कर दिए। हाँ ये कोई असाइनमेंट नहीं है, बस ये ऐसे ही टॉपिक्स रिलेट करके ना, हाँ चलो यही समझ लो ये फर्स्ट असाइनमेंट है, ये फर्स्ट असाइनमेंट ही कंसिडर कर लो उसको, और आप लोग पीछे हो ना एक लेक्चर, तो ट्रूथ एंड रियलिटी जब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम, तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट असाइनमेंट दे दूंगा, अभी आपका यही असाइनमेंट फर्स्ट है, ठीक है। मैं आपको ओवर बर्डन नहीं करना चाह रहा, अभी आप इतनी क्राइसिसफुल सिचुएशन के अंदर हो, सबको एंगजाइटी हुई है, डिप्रेशन में, हाँ नेट प्रॉब्लम भी होगा ऑब्वियसली बात है, काफ़ी सारी चीज़ें, तो मैं आपको ज़्यादा मुश्किल असाइनमेंट नहीं दे रहा, और एक ही असाइनमेंट आप कंसिडर करें नेक्स्ट वीक में, फिर हम जो है कोई एक और असाइनमेंट, कोई आसान सा असाइनमेंट आपको दे देंगे, ठीक है। बस ठीक है, आपने अगर वो मूवी का वाला असाइनमेंट कर लिया तो दैट्स गुड, हाँ विनोद क्या कह रहे हो, विनोद जी विनोद आप क्या कह रहे हैं, मूवी रिव्यू तो पहले दिया हुआ है ना उसको, मूवी रिव्यू पहले हुआ है ना, एक मूवी रिव्यू तो मैंने एक दिया हुआ है ना आपको, हाँ ऑलरेडी एक मूवी रिव्यू तो दिया हुआ था ना लूसी के ऊपर और एक दो और टॉपिक्स से, तो वो तो आप करते रहे, वो टाइम तो एक्सपायर भी हो गया मेरे ख्याल से, हाँ किसी ने अगर नहीं किया तो वो अभी भी कर दो, कर लिया तो ठीक है, नहीं तो अभी जो ये काम है इसको पहले कर लो आप, थॉट एक्सपेरिमेंट पे समरी पहले बना लो, ठीक है। अगर नहीं किया है, अगर मूवी वाला असाइनमेंट नहीं किया है तो एक काम करो, लेट हो गए हो क्योंकि वहाँ टाइम एक्सपायर हो गया ना, तो आप ऐसा करो
हाँ वहाँ 1 वीक का टाइम था ना, एक्सपायर हो गया VLE पे, तो आप मुझे ऐसा करो ईमेल कर दो, मेरे जो ईमेल है ना उस पर आप मुझे लिख के भेज दो। हाँ तो आप कर लो, मेरी तरफ से रिव्यू कर दिया मैंने उसको, दोबारा से एक्सटेंड कर दिया, तो अगर किसी किसी भी स्टूडेंट का मिस हो गया था किसी भी वजह से, रिव्यू वाला पार्ट देना, नॉवेल और मूवी रिव्यू, तो आप जो है वो मुझे भेज सकते हो, ईमेल पे भेज सकते हो, लेकिन मेंशन कर देना कि फ्राइडे वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो मैं कंसिडर कर लूँगा, क्योंकि आप लोग एक बैच पीछे चल रहे हो ना, तो मैं कंसिडर कर लूँगा। आप मेंशन कर देना कि फ्राइडे 3 to 6 फिलॉसफी एंड क्रिटिकल थिंकिंग और मेन कैंपस, तो मैं कंसिडर कर लूँगा आपको, आप मूवी रिव्यू जो है वो मुझे भेज सकते हो, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर रिलेट करके। हाँ